हमारी सुनो न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं हमारी सुनो न्यूज चैनल। देखिए ये आगे की खास खबर। केंद्रीय गुरुद्वारा साहिब गोलीगुड़ा में श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर लंगर हॉल व किचन के नवीनीकरण के भाई कश्मीर सिंह जी मुख्य ग्रंथी, तखत सचखंड श्री हजूर साहिब एवं भाई हरपाल सिंह मुख्य ग्रंथी, नानक जी राबिदर साहिब के कर कमलों द्वारा किया गया। इस उद्घाटन अवसर पर सभी सेवादारों को सम्मानित किया गया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार इंदर सिंह ने इस कार्यक्रम में सहयोग करने वालों को आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन मंच सचिव सरदार जोगिंदर सिंह दुआ द्वारा किया गया। विशेष कीर्तन दरबार का आयोजन भी किया गया, जिसमें भाई चरणजीत सिंह मुक्तसर, भाई निर्मल सिंह ज्ञानी हरनेक सिंह ने कीर्तन एवं कथा करके संगत को निहाल किया। देखिए ये आगे की रिपोर्ट। साध संगत जी उतारन लगे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज बड़े बख्शिश करके वापस नहीं करते, इधर एक होर पा दे। फिर दूजी श्री साहब पहना दतिया दो तलवारां। पहली बार इस धरती के उत्ते कोई योधा आया, पहली बार वो दुनिया दो तलवारां पाने वाले गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी। मीरी और पीरी, पीरी कहते ने फकीरी नू, पांच प्याले पांच पीर, पीरी फकीरी नू, ते मीरी कहते ने पातशाही नू। जिहड़ा फकीर हुंदा ना उहदे को सिर्फ आउण लई माला हुंदी है, एक कफनी हुंदी है, उहदा संसार नाल कोई तालुकात नहीं हुंदा, वो किसी की मदद नहीं कर सकता, अपनी की उन्हें बस माला फेरनी, राम राम जपना, पराया माल अपना। पर जिहड़ा पातशाह हुंदा है उन्हें अपने ऐश राज लीला राजन की रचना करया, हुक्म अफारा सीज सोहनी जोआ चंदन नरक घोर का द्वारा, उन्हें अपने ऐशो आराम अपने मन मर्जियां कर दियां, परजा देखी देखी, नहीं तो अपने अपना राज राज प्यारे राजियां कोई मतलब नहीं। पर जाना दूर की गल, अपने भैन भरावान नहीं मानते। औरंगजेब ने अपने भरा मार के पिता को कैद करके सिंघासन से बैठा, पर पीरी हुण तक चली सी, पर अज पहली बार पीरी दे नाल के पीरी नू बचाउण दे लई हुण मीरी भी चाहीदी है। मीरी मैंने पातशाही सब सच्चा पातशाह 11 साल की उम्र दे विच आप जी ने साध संगत जी दो तलवारां बजियां हन, और एक मीरी दी एक पीरी दी, और उस तो बाद आप जी ने श्री अकाल तख्त साहब जी की सिरजना की, और नाम अकाल का तख्त जो अज साडी सब तो उच्ची सर्वोत्तम संस्था है, साडा असली अदालत श्री अकाल तख्त साहब है।
ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਲਿਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਮਾਨ ਰੋ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਮਾਨ ਰੋ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਮਨ ਰੂ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਮਨ ਰੂ, ਜਪੋ ਗੋਬਿੰਦ ਨਮਨ ਰੂ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਮਨ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਮਨ ਰੂ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਮਨ ਰੂ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੱਥ ਦੇ ਰੱਖੇ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਕਮਾਇਤ ਬਰਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਬੇਗਾ ਲਈ ਬੇਤ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਛੜੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਣਾ ਨਰਿੰਦਰ ਵੱਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਮਾਤਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਬੇਗਾ ਲਈ ਬੇਤ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੀਸ ਨੇ ਮਿਹਰ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਨਾਮਦਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਮਾਇਆ ਅੱਜ ਬਰਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਇ ਹੋਣਾ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਦੀ 25ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਅਤੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਮਾਤਾ ਰਾਜ ਕੌਰ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਦੀ 4ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਲਾ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਛੜੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਲਿਆ ਨੇ ਨਾ ਨੇ ਹਮਾਰੇ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਲਿਓ ਅਭੀ ਹਾਂ ਤੱਕ